हेलो वंस अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ धनम स्टडी हब। हमने एक स्टार्ट करा था सीरीज का, जिसमें हम लोग आपको आंसर प्रोवाइड करवाने वाले थे जो प्रीवियस ईयर आपके जेके पेपर हुए हैं। सो अभी लेटेस्ट जो आपका 829802 पोस्ट कोड पे जेई का पेपर हुआ था, उसकी हम लोग सीरीज हमने स्टार्ट करी थी। हमने लास्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 1020 तक के क्वेश्चन देखे थे। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, लोग यहाँ पे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने 5-5 क्वेश्चन के पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करके रखा हुआ। ठीक है, सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच इज द लीगल रिक्वायरमेंट टू व्हिच डिस्ट्रीब्यूटर इज सब्जेक्टेड। आपको पूछा गया है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब आपको जो वोल्टेज मिलती है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जैसे कि अगर आप सिंगल फेज की बात करो तो सिंगल फेज में आपको कितनी मिलती है, 220 वोल्ट। अगर आप थ्री फेज की बात करो तो लीगल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, 415 वोल्ट। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि आपको जो 220 वोल्ट प्रॉमिस्ड वोल्टेज होती है, उससे आपकी कितनी टॉलरेंस जो है वो आपको दी जा सकती है, मतलब कि कितना टॉलरेंस आपको हो सकता है। आपको आपको पता है कि क्योंकि वोल्टेज मिक्स्ड लोड्स है इंडिया में, तो वोल्टेज आपका फ्लक्चुएट करता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है, तो कितना फ्लक्चुएट आपका वोल्टेज कर सकता है वो आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 सेक्शन 54, जो आपका लीगल नंबर है, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट है आपके वोल्टेज के फ्लक्चुएशन की, वो है आपकी प्लस माइनस 6%। और ये आप ध्यान रखेंगे कि ये एज पर इंडिया दिया गया है। अगर आप यूनिवर्सली देखें तो आपकी ये प्लस माइनस 5% होती है, जो यूनिवर्सली अडॉप्टेड है। ठीक है, सेम इन द सेम मैनर अगर आपसे फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए, तो फ्रीक्वेंसी की जो फ्लक्चुएशन आपकी होती है वो आपकी रहती है प्लस माइनस 3%। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की टॉलरेंस। और अगर आप यूनिवर्सली पूछा जाए तो इट इज प्लस माइनस 2%, विच इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड। इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, विच इज प्लस माइनस 6% आपकी जो टॉलरेंस है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप हमेशा इस ऑप्शन को टिक करोगे, प्लस माइनस 6% फॉर वोल्टेज एंड प्लस माइनस 3% फॉर फ्रीक्वेंसी टॉलरेंस। ठीक है, ये सिर्फ आपका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आप ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको पूछा गया द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ पावर ओवर अ गिवन डिस्टेंस बाय ओवरहेड सिस्टम यूजिंग डीसी 2-वायर सिस्टम एंड 3-फेज 3-वायर सिस्टम। इसने बोला है कि अगर हम लोग कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि मेरा, मान लो कि ये प्लेस ए है, ठीक है, कोई जगह ए है और ये प्लेस बी है, ठीक है, यहां से यहां तक मेरे को ट्रैवल अपना पावर जो है वो ट्रांसमिट करनी है। ठीक है, लेट्स से पी पावर मेरे को ट्रांसमिट करनी है, ठीक है, पी पावर मेरे को ट्रांसमिट करनी है, पी पावर टू बी ट्रांसमिटेड, और डिस्टेंस जो है वो है डी। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए सेम डिस्टेंस पे अगर मैं डीसी 2-वायर सिस्टम यूज करूं और एसी 3-फेज 3-वायर सिस्टम यूज करूं, ठीक है, तो दोनों में किसका वॉल्यूम जो है कितना होगा। मतलब आपको पूछा गया है कि एज कंपेयर टू डीसी 2-वायर सिस्टम आपका 3-फेज 3-वायर एसी सिस्टम कितना ज्यादा या कितना कम एरिया वाला कंडक्टर आपका यूज करेगा अगर मेरे को सेम डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिट करनी है और सेम पावर ही ट्रांसमिट करनी है। तो बेसिकली आपसे ये वॉल्यूम का कंपैरिजन, एरिया का कंपैरिजन, वॉल्यूम का कंपैरिजन पूछा गया है। सो हम लोग वॉल्यूम का कंपैरिजन अभी ब्रेक डाउन करेंगे, किस तरह से आपको वॉल्यूम जो है उसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डीसी 2-वायर सिस्टम के लिए देखते हैं। सो एक डीसी 2-वायर सिस्टम हम लोग डिजाइन करते हैं,
डीसी टू वायर सिस्टम किस तरह से होगा, ये कुछ आउटपुट है, यहाँ पे आपका कोई जनरेटर हमने बना दिया जो कि आपका डीसी पावर जनरेट कर रहा है, यहां से कोई आउटपुट करंट है और यहाँ पे मान लो कि कोई आउटपुट वोल्टेज है वीएम, वीएम को हमने मान लिया दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। पावर आपका क्या होगा, वीएम इंटू आई, ठीक है, ये पावर हमने यहाँ पे मान के रखी है, दिस इज कॉन्स्टेंट पावर। सो यहां से अगर आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो करंट आपका हो जाएगा पी बाय वीएम। नाउ फॉर द लॉसेस, ठीक है, लेट्स से लॉसेस क्या होंगे, डब्ल्यू को मान लेते हैं लॉस है, लॉसेस आपके होंगे टू इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर आर आपका लॉस होता है, नंबर टू ये जो है ये क्या लिया फॉर टू कंडक्टर्स, दो कनेक्टर्स के लिए हमने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो आपका डब्ल्यू जो है वो इक्वल्स टू आ जाएगा टू इंटू पी स्क्वायर बाय वीएम स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, दिस इज रो लेंथ अपॉन एरिया। यहां से अगर हम एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो वो आपको आ जाएगी टू इंटू पी स्क्वायर इंटू रो इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय वीएम स्क्वायर इंटू लॉसेस डब्ल्यू। अब वॉल्यूम की बारी आई, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी वॉल्यूम ये आपको एरिया किसका मिल गया, टू कंडक्टर्स का एरिया मिल गया। अब आप वॉल्यूम जब कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा एरिया इंटू, क्योंकि हमारे को लेंथ भी दो कंडक्टर के लिए लेनी है इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया टू इंटू एल कर दिया, एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम होगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इक्वल्स टू मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब यूनिट्स किसके होते हैं आपके वॉल्यूम के, मीटर स्क्वायर किसके हैं एरिया के और मीटर किसके हैं लेंथ के, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा यहां से वॉल्यूम मिल जाएगा। अब आप देखिए तो वॉल्यूम कितना हो गया आपका डीसी टू वायर सिस्टम के लिए, विच इज टू इंटू पावर स्क्वायर इंटू रो इंटू एल डिवाइडेड बाय वीएम स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टू टाइम्स एल से, ठीक है। तो अब अगर टू को टू से मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली कितना आएगा फोर इंटू पावर का स्क्वायर इंटू रो, और आपका लेंथ और ये लेंथ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस कम्स आउट टू बी योर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी एम स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, ठीक है। इसको मैं इंटू वगैरह हटा के इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, दिस इज फोर पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी एम स्क्वायर इंटू W. Let's say this is K. ठीक है, तो हमने डीसी टू वायर सिस्टम के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया जी, फॉर पावर P और डिस्टेंस D पे ट्रेवल करने के लिए हमारा कुछ वॉल्यूम लगेगा कंडक्टर का, वो होगा आपका फोर पी स्क्वायर, पी फॉर पावर, दिस इज रो, रो इज वॉट रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ, वी एम स्क्वायर दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज एंड डब्ल्यू आर लॉसेस, ठीक है। तो हमने देख लिया, अब हम कंपेयर करेंगे इसको थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम से एसी के। सो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के लिए आपको पता है कि इट इट कैन बी आइदर स्टार और इट कैन बी आइदर डेल्टा, ठीक है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, आप स्टार से करो डेल्टा से करो आपका सेम ही आएगा, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं स्टार कनेक्शन से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बाय नेचर आपके पास में किस तरह का कनेक्शन होगा, स्टार कनेक्शन। सो एक स्टार कनेक्शन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने एक स्टार कनेक्शन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये इमेजिनरी न्यूट्रल पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। तो न्यूट्रल और एक फेज के बीच, मतलब फेज वोल्टेज हमने मान ली ये वीएम, ठीक है, यहां से ये भी आपकी क्या हो गई वीएम और ये भी आपकी क्या हो गई वीएम, क्योंकि आपको पता है कि एसी में हम लोग आरएमएस के साथ में डील करते हैं, तो वी आर एम एस बेसिकली आपकी क्या होगी वीएम बाय रूट टू, मतलब यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डील करेंगे वीएम बाय रूट टू से। आपको पता है कि एसी में, क्योंकि देखो हमने पावर आउटपुट यहाँ पे कांस्टेंट लेनी है, तो यहाँ पे जब पावर आउटपुट आपकी डीसी टू वायर सिस्टम में कैसी थी पी थी, तो यहाँ पे भी आपकी पावर आउटपुट क्या होगी, आउटपुट पावर कितनी होगी आपकी पी, ठीक है। अब ये पी जो है बेसिकली दिस इज थ्री फेज पावर, ठीक है, ये क्या है आपकी थ्री फेज पावर है, आपको सिंगल फेज पावर माननी है तो सिंगल फेज पावर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पी डिवाइडेड बाय थ्री, सो दिस इज योर सिंगल फेज पावर। यहां से अगर आपका आई आ रहा है, आपको पता है कि आपका पावर किसके इक्वल होता है वी आई कॉस फाई, ठीक है, तो यहां से आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे विच इज पी ओवर
वी कॉस फाइव, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे, पी आपका क्या है पी बाय थ्री, वी आपका क्या है वी एम बाय रूट टू इंटू कॉस फाइव, ठीक है। लॉसेस कैलकुलेट करो, लॉसेस आपका क्या होगा यहाँ पे थ्री इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। थ्री क्या है क्योंकि तीन आपके हम लोग कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो लॉसेस आपके आ जाएंगे थ्री इंटू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पी बाय थ्री ओवर वी एम बाय रूट टू इंटू कॉस फाइव होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आपकी रो एल बाय ए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू रो एल बाय ए। यहां से अगर आप एरिया की वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एरिया की वैल्यू आप अल्टीमेटली कैलकुलेट करोगे तो एरिया की वैल्यू आपकी आएगी टू पी स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाय थ्री वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डब्ल्यू, ठीक है। नाउ फॉर द वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे एरिया इंटू, क्योंकि आपका एरिया इंटू वॉल्यूम, क्योंकि आपके तीन कंडक्टर हैं तो थ्री इंटू एल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका एरिया, एरिया की वैल्यू है आपकी कितनी टू पी स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाय थ्री वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव डब्ल्यू इंटू थ्री इन थ्री टाइम्स एन। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा फोर पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी एम स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, ठीक है, इंटू वन बाय टू कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। जब आप इसको अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में इस तरह से आ जाएगा। ये क्या है आपका, दिस इज के, दिस इज ऑल व्हाट इज, दिस इज के, है ना। तो ये बन जाएगा आपका टे टू कॉस स्क्वायर फाइव, और इसको अल्टीमेटली आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव के, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका देखो हमने इस k के साथ में इसको क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास में, अल्टीमेटली आपके पास में क्या हो गया है, यहाँ पे हमारा कंपेयर करके आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको थ्री फेज थ्री वायर, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम आपको एसी में यूज करना है, तो आपका जो वॉल्यूम है कंडक्टर का वो आपका लगेगा 0.5 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर फाइव टाइम्स मोर देन, मोर देन डीसी टू वायर सिस्टम, ठीक है। तो इनकी रेशियो आपकी यही आएगी, और रेशियो के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन टिक करना होगा तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन हैज अ स्पैन ऑफ 220 मीटर, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, एक स्पैन लेंथ दे के रखी है, स्पैन लेंथ दे के रखी है कितनी 220 मीटर की, और आपको कंडक्टर का वेट दे के रखा है W, कंडक्टर का वेट है आपका 604 kg पर किलोमीटर। आपको दिए इफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 5758 kg एंड द सेफ्टी फैक्टर इज 2 देन द मैक्सिमम साइज इज सी। आपको ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दे के रखी है, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको दे के रखी है, ये है आपकी 5758 एंड एक सेफ्टी फैक्टर नाम की चीज देके रखी है आपको, सेफ्टी फैक्टर आपका 2। यहां से अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करना है तो वो आपका आ जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग जब सैग कैलकुलेट करते हैं तो सैग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, सैग इक्वल्स टू W L square divided by 80. T here is tension, ठीक है, this is tension. जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे पूरी वैल्यूज, वेट आपका
सबसे पहले आपको वेट को चेंज करना पड़ेगा आपका, यहाँ पे आपका केजी पर किलोमीटर है, आपको केजी पर मीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्पैन लेंथ क्या है मीटर में। या तो आप स्पैन लेंथ को चेंज कर लो, ठीक है। सो वेट आपका अल्टीमेटली कितना जाएगा, 604 डिवाइडेड बाय 1000 केजी पर मीटर, यह जाएगा आपका 0.604 केजी पर मीटर। यहां पे हम लोग पुट कर देते हैं, दिस इज 0.604 इंटू 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5758 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका अल्टीमेटली आंसर आएगा 1.269 मीटर्स, दैट इज योर कैलकुलेटेड सैग, ये आपका आ गया सैग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वेट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ द वोल्टेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द स्ट्रिंग एफिशिएंसी अफेक्टेड बाय द रेन, ठीक है। देखो रेन से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको साफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। रेन से आपका इफेक्ट पड़ता है परमिटिविटी, ठीक है। अगर आपके वॉटर है, मान लो आपका वॉटर है, ठीक है, अगर वो किसी इंसुलेटर के साथ में कंबाइन हो गया, ठीक है, जैसे इन दिस केस दिस इज योर पोर्सलिन, ठीक है, तो आपकी जो परमिटिविटी होती है वो आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपकी कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन ए बाय डी, ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड डी इज परमिटिविटी, ओके। परमिटिविटी इज व्हाट, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू स्टोर द चार्ज। जब आपका इंसुलेटर होता है तो उसकी एबिलिटी चार्ज स्टोर करने की कम होती है, जैसे उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं तो उसकी एबिलिटी जो चार्ज स्टोर करने की होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्योंकि आपकी परमिटिविटी इंक्रीज होती है तो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी में आपकी दो टाइप की कैपेसिटेंस होती है, एक होती है आपकी सीएस जिसको सेल्फ कैपेसिटेंस बोला जाता है, ठीक है, सेल्फ कैपेसिटेंस बोला जाता है, जो कि आपका जैसे आपका एक इंसुलेटर है, ठीक है, आपका इस तरह से कोई इंसुलेटर है तो उसको यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या किया होता है, दो मेटालिक कैप्स लगाए होते हैं, तो इन मेटालिक कैप्स के बीच में जो एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाती है इसको बोलते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। एक जब आपका इंसुलेटर किसी टावर के थ्रू है ना, इंसुलेटर आपका जैसे टावर के थ्रू आपका कैपेसिटेंस, यहाँ मान लो ये इंसुलेटर है तो इन दोनों के बीच में जो आपकी कैपेसिटेंस बनेगी इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल कैपेसिटेंस, सीएम। तो सीएम जो होता है, जो आपका म्यूचुअल कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट आपका कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, उस पर रेन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जो आपका सी एस होता है ये आपकी कैपेसिटेंस जो है ये इंक्रीज हो जाती है आपकी इसकी वजह से, ठीक है, बारिश की वजह से। तो आपका एक फैक्टर हम लोग यूज करते हैं, एक कॉन्स्टेंट हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं के, ठीक है, के की वैल्यू होती है आपकी सेल्फ कैपेसिटेंस बाय म्यूचुअल कैपेसिटेंस, के की वैल्यू होती है आपकी सेल्फ कैपेसिटेंस बाय म्यूचुअल कैपेसिटेंस, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, सॉरी म्यूचुअल कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस, सीएम डिवाइडेड बाय सीएस, ये आपका क्या है कांस्टेंट है और ये आपका क्या है इंक्रीज हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जैसे आपका सी एस इंक्रीज होगा तो आपका के की वैल्यू क्या है डिक्रीज होगी, ठीक है। अब के जो होता है आपका वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रिंग एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका के की वैल्यू डिक्रीज होगी आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो जो आपका इंसुलेटर के थ्रू जो आपका कैपेसिटेंस होता है, जैसे यहाँ पे V1, V2 एंड V3 है, तो ये तीनों वोल्टेजेस जो है ये आपके क्या हो जाएंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ताकि आपके वोल्टेजेस दोनों सेम हो जाएं और इन दोनों के बीच में जो करंट है वो आपका जीरो हो जाए ना। जब आपके वोल्टेजेस दोनों सेम हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट बन जाएगा। और यहां पे क्या होगा आपका, जब आप करंट कैलकुलेट करोगे तो क्योंकि आपके वोल्टेज सेम है तो करंट आपका कितना हो जाएगा जीरो। बेसिकली हमारा जो फंडा रहता है हमारा यही रहता है कि हमारे को वोल्टेज सेम करना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं गार्ड वायर वगैरह भी यूज करते हैं इसमें,
ठीक है, ताकि आपका करंट का जो फ्लो है यहां से यहां को वो क्या हो जाए, कंडक्टर से जीरो हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि बारिश की वजह से आपका सेल्फ कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया और आपका जो कांस्टेंट के था वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो थी वो इंक्रीज हो गई, तो आपका वोल्टेज जो है वो ज्यादा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होने से आपका वोल्टेज जो है वो बेटर हो गया। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, मोर यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड एंड द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव्ड, ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। देखो डिसरप्टिव, ये आपको कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कोरोना लॉस से आपको ये रिलेटेड क्वेश्चन है। कोरोना लॉस में क्या होता है, दो वोल्टेजेस होती हैं, एक होती है आपकी वीसी, वीसी का नाम है आपका क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ठीक है, ये आपकी वो वोल्टेज होती है, दिस इज मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, जब आपका फॉर टू इनिशिएट द कोरोना, मतलब कोरोना स्टार्ट करने के लिए ये आपकी मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होती है। अगर इस वोल्टेज से आगे आपकी वोल्टेज बढ़ जाए तो आपका जो होता है वो कोरोना जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पे पता कैसे करते हैं, आपकी हिसिंग नॉइज जो है यहां पे आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, कोरोना जब स्टार्ट होता है आपका, तो हिसिंग नॉइज आपकी वीसी पे, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज पे आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी होती है एक वीवी, दैट इज विजुअल वोल्टेज। ठीक है, विजुअल वोल्टेज में क्या होता है, आपका वॉयलेट कलर आपको दिखना जो होता है वो कोरोना में स्टार्ट हो जाता है। दिस इज ये आपकी क्या होती है, विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। ये आपकी क्या है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होती है आपकी विजुअल वोल्टेज, जिसपे आपको कोरोना जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी मिनिमम वोल्टेज होती है जिसपे आपको कोरोना दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वीसी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के हिसाब से जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन, द डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज इज डिफाइंड एज द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना अकर्स। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलरली एग्जाम के अलावा, डेवी सेल एग्जाम सॉल्यूशन के अलावा कोई और टॉपिक भी समझना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।